के नहीं जा सकते क्या? देख कर ही तो चल रहा हूँ। रास्कल। भाई साहब, बेटी, पानी। अबे, अपने धोती का एसी बंद कर। माफ करना, ध्यान मेरा। अबे ऐसे फैल के बैठेगा तो घर पे तेरा मान नहीं रहेगा। आप भी ना। आइटम देख रहे क्या? ना ना, शीतल जल। अच्छा, उम्र के? पानू बेटा, पानी। टॉयलेट में आता है लेकिन नहीं जाने का। नहीं नहीं, आप समझे नहीं। ड्रिंकिंग वाटर। उधर के जा नहीं सकते ना, सामान है बड़ा। एक तकलीफ दे आपको। देखे देख। ना, ना देखोगे तो तुम ना, मेरा सामान। सामान? अरे आप भी ना, ये सामान नसाखो। ये सामान आओ का। इस पर अगर पोस्टल स्टैंप लगाकर इसके अंदर सो कर जाता ना तो 15 रुपए पहुंच जाता। इतना खर्चा करके रेलवे के रेपुटेशन की क्यों कर रहा है? नहीं बड़े, वो क्या है ना, हम अपने होने वाले समधी से पहली बार मिलने जा रहे हैं, तो ना उन्होंने हमें देखा है, ना हमने उनको देखा है, ना हमने उनको जाना है, ना उन्होंने हमको पहचाना है, तो इससे थोड़ा सहूलियत रहेगा, समझ रहे हो ना। वैसे हमारा नाम सरजू महाराज, बनारस वाले है। कौन से वाले? सरजू महाराज, बनारस वाले। सरजू महाराज, सरजू। S for 7. S for 7. Okay. अब बोल, शिवानी को देखने आ रहे हैं। देख भाई, मेरा सब कुछ दाव पे लग चुका है। मेरा भी सब कुछ दाव पे लग चुका है। या तू मेरी मदद करने मुंबई आ सकता है? एक मिनट। Can you lend me some money? No. यहाँ से पहले रन कितने बजे? अरे चाचा जरा फैला कर बैठिए। अरे आप तो पानी लेने जाने वाले थे ना? अरे हाँ, लेकिन अब कौन जाए? क्या है कि इतनी लाइन लगी हुई है, ट्रेन छूट गई तो अलग मुसीबत। अब नहीं नहीं, लाइन की आप क्यों फिक्र कर रहे हैं भाई? वहाँ वाटर केबिन के बाहर जो लोग खड़े हैं ना, उनको जाकर आप बोल दीजिए कि आप किशन के रिश्तेदार हैं। लो अब किशन कौन पैदा हो गया? कौन है किशन? किशन बहुत बड़ा चूने वाला है। पूरे गोवा को चूना लगाने का कॉन्ट्रैक्ट उसके पास है। ये प्लेटफॉर्म, वो वाटर केबिन, सब जगह उसी ने चूना लगवाया। आप जाके सीधा बोल दीजिए। तो मतलब टाटा थैया? हाँ, और उसके बाद तक थे ना धिन। तो लो भैया, ठीक है, चलो भैया लमतरानी लो, पहले पानी हम भरेंगे। ए, कौन है भी तू? अरे हम किशन के चचा हैं। क्या बोला रे? कब बोला का भैया? देखो हम सरजू प्रसाद बनारस, पानी भरो, हम कृष्णा के मुंह बोले चचा हैं। क्या बोले? मुंह बोले। अरे उसको चूना लगाना हमने ही तो सिखाया था। किशन का सासा वाले कांचा चीना। रे बड़ा सुरीला गाते हैं बच्चे। बजाते भी अच्छा है। बच्चों तबला उठाओ। उठाओ। अरे किशन के रिश्तेदार है तो गाड़ी तक छोड़ दोगे क्या? वो दूर तक छोड़ेगा बुढ़े, वो राम नाम सौख्य है। राम वाम नहीं, वहाँ छोड़ो दरवाजे पे। अरे ऐसे थोड़ी होता है यार, मतलब ये सब नहीं चलेगा। चलो पालिका, बड़े विवेक से बैठिए आप। लगता है सफर बड़ा सफर करके कटेगा।
पहले पता होता तो पेट से थोड़ी टकराता। Myself, सरजू महाराज, बनारस वाले। नमस्ते। सानिया, लगता है मैंने आपको कहीं देखा है। Possible. My face very famous. All India Radio पे कथक सिखाते थे। आपने जरूर देखा होगा। आपको भी सिखा देंगे। पूरी जर्नी तक धिना धिन करके गुजरेगी। Behave yourself, bloody old man. वैसे आप ऊपर सोएंगे कि नीचे? What? नहीं, मुझे ऊपर चलेगा। पर अगर नीचे हो तो अति उत्तम। क्या मतलब है तुम्हारा? हाँ? नहीं नहीं, मैं बर्थ की बात कर रहा था। वैसे तुम क्या समझी? डेथ के टाइम पे बर्थ की बात करते हो? चुपचाप से जाके सो जाओ वरना यहीं पर चला दूंगी। शांत। दोनों नीचे, अक्षया नीचे, तुम आगे मैं पीछे। क्या चाहते हो? क्या वापस सारी दुनिया जाने कि तुम इडियट गधे हो? माने शुक्रिया शुक्रिया। ओ तुम चाहते क्या हो? सर, सानिया को इस बार रंगे हाथ पकड़ना। सर, सानिया को पकड़ने के चक्कर में कितनी बार अपना मुंह काला करवा चुके हो, याद है ना? माने आखिरी बार सर। मुंह काला करवाने का? जी नहीं सर। सर इस बार मुझे पक्की इन्फॉर्मेशन है कि सानिया ट्रेन में 50 करोड़ के हीरे लेके गोवा से मुंबई आ रही है। ट्रेन में? जी सर। पिछली बार तुमने कहा था कि सानिया MLA हॉस्टल में गन डिलीवर करने आ रही है। छापा मारा तो 10 MLA पकड़े गए, याद है ना? कैसे? जी सर, नंगे सर। ओए तुम्हारे साथ साथ मेरी भी वर्दी उतरने की नौबत आ गई थी, याद है ना? जी, साइन कीजिए सर। डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच। देखिए, मैंने आपको कितनी बार समझाया कि तितली को ज्यादा भागदौड़ मत करने दीजिए। डॉक्टर साहब, वो मेरी सुनती कहाँ है? मैंने उसे बहुत समझाया। आप फिक्र मत कीजिए, मैं उससे बात करता हूँ। प्लीज टेक केयर। जल्दी ठीक होने का कि नहीं? नहीं चाहिए। थोड़ा सा जूली दीदी, नहीं खाना। थोड़ा सा नहीं, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। ठीक नहीं होने का जल्दी खाना। तितली, जूली, तितली, आज से तुम्हारा भागना दौड़ना नाचना कूदना सब बंद। अपने अर्जुन भैया की बात मानो कि ना। ठीक है, मगर मैं आपकी और शिवानी दीदी की शादी में बहुत नाचूंगी। अरे अभी तो खुद तेरा अर्जुन भैया शिवानी के लिए नाच रहा है। जब शादी हो जाएगी तब खूब नाचना। पक्का? पक्का। तो फिर जल्दी शादी करो, ज्यादा टाइम नहीं है मेरे पास। ऐसा नहीं कहते बच्चा। ए बोर कर, लौकर कर, ट्रेन निकल जाएगी। तक गुड मॉर्निंग। ओ बसंती, हूज दिस रास्कल? माने, ओह लग लगा है। माने डार्लिंग, हाउ एक्साइटिंग। रेलवे पुलिस में तबादला हो गया क्या? तू लग कर तलाशी लेनी है। लो तलाश लो।
सारा सामान तो यहाँ खुला पड़ा है, जो चाहे तलाश लो। Just don't tickle me. हर नजर चाहे मुझे मैं सानिया बनना, हर नजर चाहे मुझे मैं सानिया बनना। बोरकर। यस सर। चेक कर। बोरकर मिला क्या? गलत जगह ढूंढने से क्या मिलेगा सर? मतलब मैडम को पुलिस स्टेशन ले जाना पड़ेगा। माने डाले, इधर की इधर ही समझ लो ना। ज्यादा होशियार बनने की कोशिश मत करो। बोरकर। यस मैडम। बोरकर। सर। कहाँ है रे? आगे क्या आएगा? आपका एक और डिमोशन सर। मैं स्टेशन की बात कर रहा हूँ। ये प्लेटफॉर्म नंबर 13 ही है ना? प्लेटफॉर्म नंबर 13 है पिताजी, कितनी बार पूछेंगे आप? पूछने की तो बात है भाई। ओ पीछा करते हो, यहाँ भी आ गया। आपने देख लिया है? देख लिया का क्या मतलब? सूंघ लिया? तूने बताया होगा। पिताजी पिताजी क्या? ये अपने भाई को लेने आया है। भाई को लेने? तुझे कैसे पता चला? वो आज पेपर में छपा था। आज से पेपर पढ़ना बंद। चलो मेरे साथ। अरे शास्त्री जी, क्या कर रहे हो तुम? चल मेरे साथ। 1967 में जब पहली बार मैं मिला। वो 12 प्लेटफॉर्म छान मारे। अगर इसमें नहीं होगा ना तो इसी ट्रेन के नीचे आत्महत्या कर लूंगा। ओ यार, लेकिन उसने फोन करके ये तो बोला है ना कि वो इसी ट्रेन से आएगा। तू उसे नहीं जानता यार। वो चढ़ेगा ट्रेन में, उतरेगा प्लेन से। ओ वाओ। माने डार्लिंग प्लीज मेरी बात तो सुनो। ए बोरकर काय रे? चल। ओ सर, ओ सर। ओ मैडम, चला चला। ओ मैडम चलो ना आगे, बोरकर को बोर मत करो। अबे आराम से। सॉरी। अर्जुमा राज नाउ ये नहीं है। अच्छा। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। हमें सरजू महाराज बनारस वाले। माई सेल्फ शास्त्री जी। बेटी पहुंचो पहुंचो। चुप चुप जाओ बेटी, जीती रहो बेटी, सदा सुहागन रहो बेटी। अरे बेटी ऊपर आ जाओ, इन्हीं पैरों से चलकर इन्हें घर जाना है। बेटी ऊपर आ जाओ। चले जी। ओके। अरे दीवार इधर। अच्छा इस तरह। सरजू महाराज आइए आइए। सरजू महाराज जी आइए। यह मेरा गरीब खाना। गरीब खाना? सारे गरीब क्या यही खाना खाने आते हैं शास्त्री? सबसे बड़ा गरीब तो मैं हूँ सरजू महाराज जी। लेकिन बेटी को संस्कृति से समृद्ध करके रखा है। 4 बार पूजा करती है, 8 बार मंदिर जाती है और 16 बार 16 सोमवार का व्रत रखती है। पूरा दिन प्रभु की सेवा में तल्लीन। बेटा शिवानी बेटा, फोकस शास्त्री, फोकस। चौकस। शिव वाणी सुनाओ, शिव वाणी सुनाओ। गाओ बेटी गाओ गाओ। मैं ससुराल नहीं जाऊंगी। वाह 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 वा, क्या अति उत्तम। भरतनाट्यम भी तो सीख रही है। वाह वाह वाह। शास्त्रीय संगीत और पाश्चात्य नृत्य का अद्भुत संगम और आवाज जैसे तले से तुरती रम। क्या बोला आपने? हमारी आवाज बहुत खराब है शास्त्री। थोड़ा पानी मिलेगा? हाँ क्यों नहीं शिवानी बेटा। शिवानी बेटा इनके लिए गर्म पानी लेकर आओ ना। आज 17वां सोमवार है ना, इसलिए पीना।
चाची ने हम बोला था ना इसको बर्फ के लादी पर लेट होने के लिए राणा जी हम इसको बर्फ पे लिटाए आए तो फिर क्या बर्फ पिघल गया अरे हिमालय पर बिठा दिया साला इतना बड़ा बर्फ के लादी पर लेटाया तो भी कुछ बोला नहीं आज एक बात बोलूं बेटा बोता बोता जल्दी बोता मर्द को सर्द भी नहीं होता है क्वार्टर बच्चा किशन किधर है अरे कौन किशन भाई हम किसी किशन को नहीं जानते हम शास्त्री को जानते हैं अब ये क्वार्टर बच्चा शास्त्री कहां से पैदा हो गया ये तू जल्दी बता वरना मैं तेरा धोती में गरम गरम पानी भर देगा गरम पानी चाहिए बेटे को इतना गरम दूंगी कि जबान पे बर्नर लगाना पड़ेगा जीती रहो बेटी ये संस्कार दिए हमने अपनी बेटी को जी जी दिन में 5 बार आपके पांव छुएगी बढ़िया बढ़िया कुछ ढूंढ रहे हैं आप जी पहली बार मिला हो कुछ तो देना पड़ेगा ना अपनी होने वाली बहू के लिए कुछ तो लाया होगा बेटी ये तुम्हारे लिए सैंडल मुंह दिखाई के लिए सैंडल बेटी नहीं नहीं हमारे घराने में मुंह दिखाई नहीं पैर पहनाई होती है बड़े हैं बेटी बड़े लोग बड़े विचार बड़प्पन पहन लो तुम्हें फिट नहीं आएंगे तो मैं पहन लूंगा है ना समधी जी सब्जी अरे सब्जी तरकारी डोसा समोसा नहीं बेटा समधी हमारे होने वाले समधी है विश्वास हो तो तत्काल फोन करके पूछ लो वैसे तो मुंबई में लड़के बहुत हैं लेकिन क्या है ना कि आपके परिवार की प्रतिष्ठा सुनी थी इसलिए मैंने आपको फोन करके बुला लिया एक बार आप मेरी बेटी के लिए हाँ कर दे मेरा मतलब अपने बेटे के लिए तो झट मांगनी पर शादी हो जाएगी कौन है फोन है कौन है हेलो सरजू महाराज आपके लिए फोन है मेरे लिए हाँ बनारस से होगा एक ग्लास दूध मिलेगा दूध मैं आपके लिए भैंस लेकर आता हूँ हेलो ओ शास्त्री ये सरजू महाराज तुम्हारा सब रिश्तेदार है वो हमारा आधा रिश्तेदार मर गया आधा जिंदा नहीं है बाकी का फायदा नहीं हुआ तू ये रिश्तेदार कहाँ से आ गया वो चल बहुत टाइम पास हो गया भी फोन रख आप भी ना अरे हाथ कंगन को आरसी क्या पढ़े लिखे को फारसी का क्यों नहीं पाली बेटा कहाँ सची ना जी खोल दे बेटा मिर्ची पाउडर लाओ हमें इस बार भी कुछ नहीं मिला हमें इस बार भी कुछ नहीं मिला तू कराएगा अंदमान में मेरा तबादला पंजाब करोड़ के हीरे ट्रेन में लाएगी 1 करोड़ में तो पूरी ट्रेन आ जाएगी वाह 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 भले भले मैं जा सकती हूँ सर आप यस यू कैन सर आप तू अपने दिमाग को अकल का सर्च वर्ड दे सर आप वो और अगर फिर भी ना माने तो गोबर गैस का करंट दे सर आप वो बकवास बंद बकवास नहीं कार्लोस मैं एकदम सच कह रही हूँ माने के डर से हीरे मैंने एक बैग में छुपा दिए थे जिसपे उसका एड्रेस भी था बट डोंट यू वरी डार्लिंग मैं अभी जाके उस बैग को अपने कब्जे में कर लेती हूँ सानिया अगर आधे घंटे में तुमने मुझे फोन नहीं किया तो मैं समझूंगा कि तुम मेरे सर्कल ऑफ ट्रस्ट से बाहर हो और इसका मतलब तुम जानती हो यू ट्रस्ट मी ना डार्लिंग मैं अभी वहां पहुंचती हूँ ए टैक्सी सिक्स अलवारीज हाउस बांद्रा सिक्स अलवारीज हाउस बांद्रा नहीं जाने का स्टूपिड कार्लोस मैं तुम्हें बाद में फोन करती हूँ चलो ड्राइवर किधर हैं माने ना माने सी दिमाग जोक